इंसान के फैंस हैं आप? ओह सॉरी, इंसान तो ये है ही नहीं, इसे दूसरों का दर्द दुख समझ में कहाँ आता है कि वो इंसान है जो सिर्फ ईगो में रहना जानता है, दूसरों को नीचा दिखाना जानता है, इसके फैंस हैं आप? Enough! तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, और तुम मेरे ही फैंस को मेरे ही खिलाफ भड़का रही। You know what, Sky Madam? अपनी ये जो इमेज है ना, ऐसे कमाई है मैंने, ऐसे ही लाखों चैरिटियां करके कमाई है मैंने, इसीलिए है ये फैंस। Really? तो बेसिकली ये फैंस तुमने कमाई नहीं फसाए, ऐसी ही फेक हेल्प, फेक चैरिटी करके, राइट? तुम्हारे की जो नकली इमेज है ना। शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अरमान और आसमा है वो बार बार ये बात आरवी को समझा रहे हैं कि भाई हमने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, हम तुम्हें मारना भी नहीं चाहते, फैमिली वाले लोग हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, हम क्यों ऐसा करेंगे। इसकी असलियत मैं आज सबके सामने लाऊंगी। कहा था ना छोड़ूंगा नहीं। वो क्या है नारवी, दुनिया में दो टाइप्स के क्रिमिनल होते हैं, एक वो जो फिजिकली चोट पहुंचाते हैं और दूसरे वो जो आपके आत्मसम्मान, आपके जज्बात, आपकी इज्जत पे वार करते हैं। तुम उस दूसरे टाइप के क्रिमिनल, इंसानों के बीच रहने लायक नहीं, इसलिए जेल में रहो। लेकिन रणवीर जी को बात पर यकीन नहीं आता है और रणवीर जी बोलता है कि मेरी बताई हुई जगह पर अरमान तुम्हें आना होगा। अब यहाँ पर जो है एक तरफ से अरमान पहुंच जाता है और एक तरफ से आसमा गाड़ी चला रही होती है और उसके पास फोन आता है। आसमा फटाफट से फोन उठाने की कोशिश करती है गाड़ी चलाते चलाते और आसमा का हो जाता है एक्सीडेंट और आसमा के सर में लग जाती है चोट। अब ऐसे में आसमा के पास कोई भी नहीं है तो आखिरकार कौन बचाएगा आसमा की जान? क्या अरमान और रणविजय अपनी लड़ाई छोड़कर जाएंगे आसमा के पास और बचाएंगे आसमा को? हालांकि सवाल ये है कि आसमा तो बेहोश हो चुकी है, आसमा के इतने चोट लग चुकी है तो आसमा कैसे बताएगी किसी को कि उसके साथ ये बड़ा हादसा हुआ है। खैर आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि अरमान और आसमा बार बार रणवीर जी को ये बात समझाते हुए दिखाई देते हैं कि सिम्मी के चलते जो है तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हम तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम चाहते हो तो पुलिस के पास चल सकते हैं, पुलिस को तुम अपनी बातें बता सकते हो। खैर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।